अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सब जानते हैं कि आप भी इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाई गई है। अब शेड्यूल तो इतना बिजी है, अब 19 दिन के अंदर इलेक्शन करना है, उसके बावजूद भी वार्ड के अंदर फिरना, लोगों से मिलना थोड़ा लेट भी हो जाता है, जाने के लिए मिलने के लिए थोड़ा लेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें नाइतफाकी आती है कि लीडरों में कि हरीश गौड़ा साहब उनके घरों के पास नहीं गए, उनके ऑफिसों के पास नहीं गए, इसीलिए ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। हरीश गौड़ा साहब जो ये कॉन्सेसी के अंदर जो खड़े हैं चामराजा के अंदर, यहाँ पर आकर मुस्लिम वोट 25,000 है, उसके बावजूद 215,000 वोट गैर खुमका हिंदुओं का भी वोट है इसके अंदर। उसके वास्ते क्या करना चाहिए, हम जो भी यहाँ पर जो वोटर्स है, जो लीडर्स है यहाँ के, जो मुसलमान लीडर्स, जो गैर खुम लीडर्स है, सब मिलकर हरीश गौड़ा साहब को वक्त भी देना चाहिए और जिताने की कोशिश भी करना चाहिए। हम आपस में अगर एक दूसरे की टांग खींचने के लिए मेरे पास हरीश गौड़ा साहब नहीं है, उसके पास नहीं आए बोलेंगे तो ये सीट आगे चले जाएगी और जीतेंगे नहीं। हरीश गौड़ा साहब को जबरदस्ती यहाँ से एक सेकुलर लीडर बोलकर जबरदस्ती यहाँ पर टिकट देकर कांग्रेस की भेजे हुए कहाँ से, बैंगलोर से, क्योंकि यहाँ पर हरीश गौड़ा साहब जीतेंगे तो यहाँ की सेकुलरिज्म भी बच के रहेगी, यहाँ की इंसानियत भी बच रहेगी। और दूसरी बात रही, ये हरीश गौड़ा साहब का भी वो इलेक्शन नहीं है, सिद्धरामैया साहब का भी इलेक्शन नहीं, इलेक्शन जो है ये 6.5 करोड़ आवाम का इलेक्शन है। अब हम मुल्क को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ना है, ये अब हरीश गौड़ा साहब को जिताने के लिए, सिद्धरामैया साहब को जिताकर सीएम बनाने का इलेक्शन नहीं है। अब आपस में देख रहे हैं मुल्क के हालात बदलते जा रहे हैं, किसी को उसकी हालत देख के मारा जा रहा है, कुछ की उसका हुलिया देख के मारा जा रहा है। हम मुसलमान जो यहाँ के 25,000 जो वोटर्स हैं, इस बार हरीश गौड़ा साहब को देखने से ज्यादा इंसानियत को देखना है, 6.5 करोड़ आवाम के लिए हम उसकी तरक्की के लिए सोचना है। अगर हम ये नहीं सोचकर, अगर हरीश गौड़ा साहब हम बार बार हमारे पास नहीं आए ये सोचकर गुस्सा करना, ये हमारी बेवकूफी हो जाएगी। इस बार का जो इलेक्शन है ये बड़ा चुनौती हुआ इलेक्शन है, इसे जिताने के लिए चाहे हमारे कुछ भी करना पड़े, हरीश गौड़ा साहब को जिताना हमारी एक जिद है। क्योंकि आप देख रहे हैं बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर आज ये तक पता चल गया है, जेडीएस जहां जहां कांग्रेस के कैंडिडेट जीत रहे हैं वहां जेडीएस का वीक कैंडिडेट डालकर बीजेपी को सपोर्ट करने की भी बात आगे आ गई है। इसीलिए हम मुसलमान पूरे जहां भी हम हैं वहां सिर्फ मुसलमान का वोट नहीं चाहिए हमारे को, जो गैहुम भाई है हमारे, हमारे एरिया के अंदर, जैसा कि आप सब जानते हैं ये बार बार मुसलमान वोट ये दिमाग से काट देना चाहिए। जैसा कि हमारा मंडी मोहल्ले के अंदर 40,000 वोट है, वहां पर 20,000 मुसलमान वोट है, 20,000 गैरखुम का वोट है। हमें मुसलमान का वोट के साथ साथ गैरखुम का वोट भी हरीश गौड़ा साहब को दलाने की कोशिश करना चाहिए। सिर्फ हम मुसलमान के वोट के पीछे पड़ेंगे तो वो लोग खराब समझेंगे। हमें एक एकता का मिसाल देना, गंगा जमुना की तहजीब को जिंदा रखना है, तो हरीश गौड़ा साहब को हम इस बार 30,000 या 40,000 लीड से इलेक्शन जिताने के वास्ते खड़े हो जाना चाहिए। ये हरीश गौड़ा साहब का इलेक्शन नहीं है, ये पूरी आवाम का इलेक्शन है, पूरी कर्नाटका की आवाम का इलेक्शन है। अगर इस बार हिंदुस्तान हमारी कर्नाटका की 1 करोड़ मुसलमान वोट को डिवेट अगर कर दी तो मैं चैलेंज से कहता हूं यहां पर दोबारा फिर से बीजेपी बैठ जाएगी। अगर हम पूरे मुसलमान सेकुलर लीडर जैसे हरीश गौड़ा साहब के जैसे कांग्रेस के अंदर खड़े हैं, हम ये पार्टी वो पार्टी नहीं देखना, दूसरे तीसरे पार्टियां बहुत खड़े हुए हैं, वहां भी आकर मुसलमान का वोट लेकर डिवाइड कर मुसलमान का वोट फोड़कर सिर्फ बीजेपी को लाने की साजिश चल रही है। ये साजिश को खत्म करने के लिए यहाँ के मैसूर के जिम्मेदारान, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरे दोस्त अब्बास भाई, बाबू साहब, हमारे जगमारक जुबेर भी, हमारे उमर भी, हमारे खैसर भी, सोहेल भी, सब हमारे सब बैठे हुए, इनको भी ये फिक्र है कि अब आइंदा फिर ये पार्टी ना आ जाए कि यही जुल्म मुसलमानों के ऊपर, दूसरे के ऊपर, दलितों के ऊपर ये जुल्म ना हो जाए। इस चिंता के अंदर हम हरीश गौड़ा साहब को 1 घंटे से इसीलिए जपने के बैठे हैं कि एक मैसेज ये जाए कि सेक्युलर लीडर कहीं भी कर्नाटक के अंदर 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जैसे हमारे हरीश गौड़ा के जैसे कोई भी लीडर अगर सेक्युलर खड़े है तो उनको वोट देकर जिताकर कामयाब करेंगे तो ये मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और एक इंसानियत का हिंदुस्तान के अंदर पहला पैगाम। जैसे कि आप जानते हैं हमारी 4% रिजर्वेशन जैसा छीनी गई है, ऐसे लीडरों को लाएंगे, सेक्युलर लीडरों को 8% छीन के लाने की हम ताकत रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, आप जिस तरह बताए कि मुसलमानों को एक होकर मुत्तहिद होकर वोट डालना है, आज जो है एक्स कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर जनाब सुहेल बेग की जानिब से जो है
इन्हीं के हलके में आजादाना उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सुहेल बेग हमारा एक दोस्त है, इन्हों भी बहुत करीब से जानते हैं, हरीशना भी, हरीशना भी से बहुत साथ दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। उसके दिल में कुछ दुख आ गया है कि हरीशना टिकट ले लिए, चार पांच दिन हो गया टिकट लेके नॉमिनेशन कर दिए, आके मिले नहीं। हरीशना का मामला ऐसा रहता है, हमें 25,000 वोटर्स इधर हैं, उधर भी 40,000 वोटर्स है, हम समझदार होना चाहिए, हम बेवकूफ होकर काम नहीं करना चाहिए। आप दो बार इलेक्शन लड़े हुए इंसान है, आपको ही मालूम है इलेक्शन क्या चीज है। ये पूरी कॉन्शियसी के अंदर इलेक्शन लड़ना है, हमें वार्ड के अंदर लड़के हमारे को बहुत बड़ी परेशानी रहती है। हमारे को ये नहीं सोचना है कि हरीश गौड़ा साहब हमारे को लेट आके मिले, परसों आके मिले, तरसों मिले, नॉमिनेशन कल किए हुए हैं, आज फ्री हुए हैं, सबको मिल रहे हैं। चौक के अंदर जाएंगे, मंडी मोहल्ले के अंदर जाएंगे, मिशन हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, जहां जहां भी हिंदू हो मुसलमान हो, ये के कोर्ट के लिए भी हम जाके अपील करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करके वोट डलाने की कोशिश करें। आपस का मामला है, अगर सुहेल बेग को कोई पैसे दे के बीजेपी वाला या दूसरा तीसरा खड़ा कर हरीश गौड़ा साहब को हराने की कोशिश कर रहा है तो ये उनकी दिली तमन्ना बेकार की है, ये जाया जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मैसूर के जितने भी सेक्युलर लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे मैं हो, मेरे दोस्त हो, ये हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई, हरीश गौड़ा के साथ खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में 30 या 40 हजार लीडिंग से जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। सर एक अहम सवाल ये भी है कि जब भी इंतखाबात आते हैं मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ राजीव करने की कोशिश की जाती है, जबकि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या आप नहीं समझते कि हमेशा ये होता है? कैसर साहब आप तो न्यूज चलाने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान की न्यूज आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हमारी उम्र 50 साल हो गए, आप भी देख रहे हैं। जैसे कि हुकूमतें बहुत से आई, बहुत से हुकूमतें गई, जैसे कांग्रेस की हुकूमत जब से थी हमारे पास, जब से हम सत्ता में बैठे थे सेंट्रल में स्टेट के अंदर, हम काम कम किए होंगे लेकिन इंसानियत बचा के रखे हुए थे। आज 10, 11 या 12 साल से हुकूमतें बदली हुई है, आप देखिए शरारत क्या है, हुलिया देख के मारा जा रहा, कपड़े देख के मारा जा रहा, हमारे ऊपर ही जुल्म नहीं हो रहा, दलितों के ऊपर भी जुल्म हो रहा, शेड्यूल कास्ट वाले के ऊपर भी जुल्म हो रहा। अगर वो जुल्म को दबाना है तो कर्नाटका के अंदर पहले कांग्रेस को लाना है, उसके बाद सेंट्रल के अंदर कांग्रेस को। अगर ये स्टेट हम जीत जाएंगे ना, इंशाअल्लाह आपको लिख के दूंगा मैं, सेंट्रल के अंदर भी 2024 के अंदर कांग्रेस हुकूमत करेगी, चाहे वो अलायंस होके चलाए या ये सिंगल होके, हमारी हुकूमत आगे आएगी इंशाअल्लाह। सर एक और बात, यहाँ पे सबकी जिम्मेदार बैठे हैं, तो ये भी कंफर्म हो जाना, पूरी तरह से मुतमईन हो जाना कि अब जो सुहेल बेग साहब नॉमिनेशन करके ना, आप अपनी तरफ से कि भी इसे वापस ले लियो या नहीं तो आके बैठ के उसे खत्म करेंगे? नहीं नहीं अफसर साहब, अब भी चौक के अंदर हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उलमा इकराम है, हम अभी जाके किसी को मिले भी नहीं। चौक के कैसी चीज है, मिशन हॉस्पिटल चौक और मंडी मोहल्ला, हमारा जो हमारा छोटा मार्केट, सब यहाँ पे बड़े बड़े नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम है, हम तो उनके एक छोटे से, हम अदना से एक छोटे छोटे लीडर हैं, वहां पर बड़े बड़े हैं। इंशाल्लाह हम जाकर वहां के उलमा इकराम को, वहां के जिम्मेदारान को, चौक के अंदर हो, पानी टैंक के पास हो, मंडी मोहल्ले के पास हो, हमारे मिशन हॉस्पिटल के पास हो, बुड़बुल किरी में, जहां जहां हमारा मुसलमान वोट हो, गैर को वोट हो, वो पूरा वोट लेने की कोशिश। सिर्फ हम मुसलमान यहां पर बैठकर मुसलमान वोट नहीं डाल रहे हैं, हम हिंदू वोट पूरा भी लेने की कोशिश करेंगे, क्रिश्चियनों का वोट, जितना भी वोट 40,000 वोट आता है हमारे सर्वनिंग के अंदर, वो पूरा वोट मुकम्मल तरीके से हम दलाएंगे और कल चौक के अंदर जाएंगे, जहां जहां उनके घर हैं, जहां जहां उनके ऑफिस हैं जिम्मेदारों के, उनके घरों के पास ये जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, यहाँ के जिम्मेदार भी, अगर वो गलत समझे हैं तो ये गलत फहमी दूर कर ले, हरीश गौड़ा साहब कल से फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह, उनके ऑफिस में उनके घरों के पास जाकर उनको मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे। बात करने के बाद उम्मीद है कि सर वो लोग सब आपके साथ जुड़ने की, ये बात आप दिमाग से कर दिए, वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, वो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ क्या है, हरीश गौड़ा साहब ये लीडर है, एमएलए, मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूं, मैं उनकी बात करने का तरीका चला गया, मेरा बात करने का तरीका ला, ये एमएलए कैंडिडेट, ये जाने से उनको एक दिल में खुशी आती है, मैं कितना भी उनको बोलूं वो अलग बात है, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे लिए हर चीज में आगे खड़े हो जाते हैं, वो अलग बात, लेकिन ये एमएलए कैंडिडेट होना, इनकी भी जिम्मेदारी होती है कि मोहल्ले के जिम्मेदारों को जाके मिले, वहां के जो जो वहां के आलिम है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको जाकर मिलकर उनसे दुआ सलाम कर, वहां सिर्फ मुसलमान वोट नहीं, वहां ऐसा एक वोट बैंक है हमारे मंडी एरिया के अंदर, गैर वोट बैंक, उनको आप पहचान भी नहीं सकते कि वो हिंदू है या मुसलमान है,
वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वहां से उनका भी 10-15 हजार वोट निकलता है। हम मुसलमान वोट के साथ गैर कौम का वोट भी दला कर इनको कामयाब करेंगे तो सेक्युलरम बचेगी। ऐसे लीडर वापस हमारे वास्ते खड़ने के वास्ते मुसलमानों के वास्ते दलितों के लिए आएंगे। हम वापस आपस में लड़ते 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 सेक्युलरिज्म को खत्म कर देंगे तो हमारे वास्ते खड़ने के वास्ते कोई नहीं आएगा। ऐसे ऐसे ही पूरा मुल्क खत्म होते होते चले जाएगा, मुसलमान भी पीछे पीछे होते चला जाएगा। सर हल्का नसीम राजा से आप पैर पड़ रहे हैं, हल्का चामराजा से आपकी कौन कौन उम्मीद है कि आप इनका साथ देंगे? पूरा चामराजा अल्हम्दुलिल्लाह हरीशगोड़ा साहब के साथ खड़ा होगा और जिताएगा। मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ, मैं पैदा हुआ सब मंडी मोहल्ले के अंदर, बड़ा हुआ सब यहाँ छो में। अब क्या होता है, जरे लीडर्स क्या होते हैं, हमारे से बड़े हो गए जरे लीडर्स, जरे हमारे से और अच्छे हो गए। अब मैं बुलाया तो उन्हें क्या समझते हैं, खराब समझते हैं। वो हरीशगोड़ा साहब की जिम्मेदारी है, हरीशगोड़ा साहब के हम साथ जाएंगे। मैं है मेरे जिम्मेदार सब मिलकर जाकर उनके घरों के ऑफिसों के साथ बैठकर चाय, अब तो रमजान कल खत्म हो जाएगा, परसों से रमजान खत्म होने के साथ जाकर चाय वाय पी के खाना वाना खा के दुआ करके हरीशगोड़ा साहब को इस बार ताश पिना कर असेंबली में बेच कर इंशाल्लाह इसी बार हम इनको मिनिस्टर भी बनाने की कोशिश, इंशाल्लाह पूरी आवाम की दुआ इनके साथ रहेगी तो मिनिस्टर भी होंगे इंशाल्लाह। आप इसी तरह का सामना करेंगे, ये नहीं मरते दम तक हरीशगोड़ा जैसे सेक्युलर लीडर हमारे ये भी कारपेट रहे हैं, हमारा गोपेन्ना भी कारपेट रहे हैं, ये भी रनिंग कारपेट रहे हैं। हम कारपोरेशन के अंदर सब कैसे हैं इनको पता है, हमारी सेक्युलरम बचना है, हमारी इंसानियत बचना है तो ऐसे लीडरों को लेके आकर ही हम हिंदुस्तान में कर्नाटका में लीडर बनाएंगे तो ये सेक्युलरम बच के रहेगी, इंसानियत बच के रही, वरना इंसानियत भी नहीं रहेगी, कोई पार्टी भी नहीं रहेगी, उसके बाद सबके हाथों में तलवार और ये गमछे ही रहेंगे, कोई इंसानियत नहीं रहेगी। इसे खत्म करना है तलवारों को गमछों को, तो हम इंसानियत लाना है, लीडर्स बनाना है, इनको असेंबली को भेज कर जो सेक्युलर है उनको रखना है, क्रिमिनल जो है उनको काट के भिड़काने का काम करना है। देखिए जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर जो मेरे भाई बैठे हैं, जो वाजिद और जमीर और से उसके भाई उसके भतीजे सब बैठे हैं, सलीम गिलीम सब है। ऐसे हमारे मंडी एरिया के अंदर 15 से 20 टीम है इधर मंडी एरिया के अंदर, ये हार्ड वर्क करना है, ये बिना कोई शर्त के कोई उनके फायदे के काम कर कर जिताने वाले लोग आई है। ये ऐसा नहीं कि पैसे के लिए बात कर कर इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए, ये सिर्फ ऐसे लोग हैं मोहब्बत। आप दो बातें इनको मोहब्बत के कर गए तो जिंदगी भर आपका साथ देने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे हमारे मंडी मोहल्ले के अंदर चौक के अंदर 20 से 25 टीम है। कल हमारे हरीशगोड़ा साहब वहां पर जाएंगे, उनके घरों के पास जाएंगे, ऑफिसों पर जाकर उनको बात कर कोशिश कर उनको काम पर लगाकर इलेक्शन की कैंपेन के लिए कल उन्होंने उनके वास्ते अपील करेंगे इंशाल्लाह।